तो दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप सभी ने वीडियो की थंबनेल और टाइटल देख करके आप समझ गए होंगे दोस्तों, आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों यूपीआई को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से दोस्तों यूपीआई आईडी बना सकते हैं, आज का ये जो प्रोसेस है सारा इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। तो आखिर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे दोस्तों, इसका सही तरीका क्या है, और आखिर हम लोग बिना एटीएम कार्ड को किस किस चीज़ में हम लोग बैंक अकाउंट जोड़ सकते हैं, तो सारा जानकारी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पहली बार आए हैं दोस्तों इस चैनल पे, तो लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑल पे जरूर क्लिक करें दोस्तों, क्योंकि हमारा सबसे पहले आने वाला कोई नए वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपको मिले और हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको डिटेल में बताते हैं कि किस तरीके से आखिर हम लोग बिना एटीएम कार्ड के फ़ोन पे, गूगल पे और जैसे में दोस्तों पेटीएम अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से हम लोग पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, सारा जानकारी हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जरा सा भी छोड़ के मत जाना, नहीं तो दोस्तों किसी पार्ट को अगर आप लोग स्किप कर दोगे फिर मुझे मत कहना कि किस तरीके से होता है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कवर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे कि बिना एटीएम कार्ड के यूपीआई पिन किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम फिर यहाँ पर बात करेंगे कि फोन पे के अंदर किस तरीके से उसे लिंक करेंगे यूपीआई पिन को, उसके बाद गूगल पे में किस तरीके से लिंक करेंगे और पेटीएम में किस तरीके से लिंक करेंगे। तो सारा एप्लीकेशन का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट पहले आपको इंस्टॉल कर लेना है आपके अपने मोबाइल पे। ठीक है, तो जो फोन पे एप्लीकेशन का जो लिंक है सबसे फर्स्ट में मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट उसे इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल पे। उसके बाद दोस्तों गूगल पे एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, और पेटीएम का भी मिल जाएगा, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों सारा चीज़ को इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च करना होगा, भीम यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर भीम के अंदर दोस्तों एक अपडेट आया हुआ है। ठीक है, अगर आपको जानकारी नहीं है दोस्तों तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, भीम NPCI की तरफ से बड़ी अपडेट आई हुई है। तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से भीम एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, आपके पास पहले से ही एप्लीकेशन ये आपने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको एक अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है और अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट वर्जन, यानी कि दोस्तों NPCI की तरफ से जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है उस वर्जन के अंदर हम लोग को दोस्तों सारा अपडेट मिले, जैसे कि बिना एटीएम कार्ड के दोस्तों बैंक अकाउंट यानी कि यूपीआई पिन सेट करना, तो इसका लिंक आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। इस एप्लीकेशन का आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ पर क्लिक करके इससे पहले ज्वाइन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों अपने यानी कि जो भीम एप्लीकेशन है उसको मैं यहां पर डाल दिया हूं। ठीक है, डायरेक्ट आपको उस पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे सकता दोस्तों, कोई रीजन है जिसके कारण। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जा सकते हैं, टेलीग्राम चैनल में जाने के लिए आप लोग टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं सदाम टेक्निकल, उसके बाद आप लोग वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं। अब चलिए आगे हम यहाँ पर क्या करने वाले दोस्तों, इसके ऊपर में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर ओपन में क्लिक करना है, और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एक मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन कर लेना है। हालांकि हमने अकाउंट पहले से ही बनाया हुआ है, अकाउंट बनाना कोई भी बड़ी वाली बात नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको यहाँ पर अपना क्या करना है, अकाउंट बनाने के लिए आपको सिंपली से दोस्तों आपको एक मोबाइल नंबर यानी कि दर्ज करनी है, और दर्ज करने के बाद मोबाइल नंबर के बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को डाल के वेरीफाई करना है। उसके बाद एक पासवर्ड सेट कर लेना है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर लिया, चलिए हम पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। और आपको दोस्तों जैसे लॉगिन कर लेते हैं, लॉगिन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरीके का निकल के आ जाएगा आपके सामने। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्तों, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों सबसे फर्स्ट में ही ऑप्शंस मिल जाते, देख सकते हैं टीम कंटिन्यू और भीम एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके का एलो आपको मिलेगा एरो, उसके बाद आपको इस ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, कोने में। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट जोड़ना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर एक प्लस आइकन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा आपको यहाँ से खोज लेनी है, और खोजने के बाद इसे लिंक कर लेना है। ठीक है, तो जैसे आप लिंक कर लोगे, जैसे कि हमने यहाँ पर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लिंक किया हुआ है और सेंट्रल बैंक को लिंक किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर पहले से UPI पिन को हम बना रखे हैं, तो फॉरगेट में क्लिक करेंगे। फॉरगेट में क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर आपको यानी कि डेबिट कार्ड का हमें लास्ट का 6 अंक हमें मांग रहा है। हमारे पास दोस्तों डेबिट कार्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे,
तो मैंने जो आपको लिंक दिया भीम एप्लीकेशन का, वहीं से आपको क्लिक करके डाउनलोड करना है ताकि आपका जो काम है दोस्तों प्रॉपर हो सके। उसके बाद आप चलिए हम सेंट्रल बैंक में चलते हैं और यहाँ पर दोस्तों फॉरगेट में क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का हमें इंटरफेस निकल के आ चुका है, मिल चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों आधार वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड की मदद से UPI पिन बना लेंगे। अब बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करेंगे क्या ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अलाउ हो गया है या कौन कौन सा बैंक में अलाउ हुआ है, तो उसका मैं जानकारी आपको थोड़ा सा यहाँ पर दे देता दोस्तों। बहुत सारे बैंक में दोस्तों, काफी बैंक्स में ये ऑप्शंस फीचर आपको दे दिया गया है, लेकिन बहुत सारे बैंक में अभी तक नहीं मिला है। लेकिन अगर आपको प्ले स्टोर के अंदर अगर आपका अपडेट नहीं आया है तो मैंने जो लिंक बताया है आपको डायरेक्ट उससे क्लिक करके चेक करना है। जैसे आप आओगे दोस्तों हमारे लिंक से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जैसे आप जाओगे तो आपको दोस्तों आपको यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन वाला जो यहाँ पर जो मैं एप्लीकेशन का जो लिंक दिया हुआ हूँ डायरेक्ट आप उस पर जैसे क्लिक करके आओगे दोस्तों, तो क्लिक करके आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आपको ये लेटेस्ट वर्जन वाला में आपको ट्राई करना है, यानी कि आपको देखना है कि आपको ये ऑप्शंस मिला है या नहीं मिला। उसके बाद एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे। अगर आपको ये ऑप्शंस शो कर रहा है दोस्तों तो आप लोग आधार कार्ड की मदद से UPI पिन को बना सकते हैं। तो जिस बेहद ही बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड के यहाँ पर हमको नंबर डालना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले से ही डाला हुआ है, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पहले से रजिस्टर यहाँ पर लिख रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों डालने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली से मैं आपको चलिए बता देता हूँ। फोन पे के अंदर आना है आपको, आने के बाद यहाँ पर आपको बैंक्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लिंक करके रखा हुआ, देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। और यहीं से दोस्तों हम लोग डायरेक्ट अपना बैंक बैलेंस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, बैंक बैलेंस उसको चेक कर सकते हैं और यहीं से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और रही बात दोस्तों इसी चीज को हम लोग पेटीएम के अंदर कैसे लिंक करेंगे, तो पेटीएम के अंदर ओपन करेंगे। सारा चीज ध्यान से देखना दोस्तों, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम्स है मैं आपका सोल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर क्या करना दोस्तों, सिंपली से आपको यहाँ पर जो प्रोफाइल का ऑप्शन मिला इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, देख सकते हैं पेमेंट सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको उस चीज़ को लिंक करने के लिए किस तरीके से लिंक करना है, देख सकते हैं आपको UPI और लिंक बैंक अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों आपका जो भी बैंक अकाउंट होगा दिख जाएगा। और यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट में जैसे क्लिक करोगे, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो हमने यहाँ पर अभी लिंक नहीं किया हुआ है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर हम सर्च करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी लिंक कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिंक कर लेते हैं फटाफट से। फाइनली दोस्तों देख सकते हैं लिंक हो चुका है सक्सेसफुली, आपके सामने मैंने लिंक किया दोस्तों और UPI पिन मैंने आपके सामने दोस्तों यहाँ पर क्रिएट किया। अब यहाँ पर दोस्तों पेटीएम के अंदर ये लिंक हो चुका है। अब इस चीज़ को आप लोग चाहते हो तो गूगल पे के अंदर दोस्तों लिंक करने के लिए गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पर क्या करना है, बैंक अकाउंट में जा करके जो बैंक अकाउंट का भी आपने UPI पिन बनाया है उसको यहाँ पर ला करके लिंक कर देना है। तो सारा प्रोसेस मैंने आपको लाइव दिखाया दोस्तों। और आपको अगर अभी तक इस एप्लीकेशन के अंदर दोस्तों ये फीचर आपको नहीं मिला है तो आप लोग जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने NPCI की तरफ से जो आया हुआ नया अपडेट उसी का मैंने आपको लिंक दिया हुआ, जाकर के चेक कीजिए दोस्तों और वहां पर ट्राई कीजिए, जरूर आपको मिल गया होगा। नहीं मिला होगा दोस्तों तो आपको यहां पर कुछ 8 से 10 दिन के अंदर सभी लोगों को ये मिल जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ सवाल होगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना दोस्तों। और फिलहाल किसी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, तब जय हिंद, वंदे मातरम।